देख रहे हैं आवाज 24। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ वाम दलों ने आज बिहार बंद रखा है। सड़कें और रेल को रोककर विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चियों के साथ बढ़ रही सामूहिक बलात्कार की घटना और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वाम दलों का बिहार बंद काफी असरदार रहा। शोषण का मामला सामने आने के बाद विपक्ष द्वारा लगातार सरकार को घेरने का प्रयास जारी है। एक साथ सभी विपक्ष ने इस घटना को शर्मसार करने वाला बताया है। साथ ही लगातार कई दलों द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया जा रहा है। जो आज जघन अपराध जो हुई है उसके ये चलते हम लोग रोड पर आज उतर आए हैं। हम लोग की डिमांड है जो अपराधी है उसको सजा मिले और सुशासन बाबू जो कहलाते हैं अपने आप को, हमको कहते हैं अब सुशासन नहीं उसको सुशासन कहा जाए तो कोई खराब बात नहीं है। एक तो द्वापर में दुशासन थे, ये कलयुग के दुशासन थे। इस तरह का चीर हरण एक नाबालिग लड़की के साथ हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रही है, जघन से जघन अपराध हो रही है, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के कान में जू तक नहीं लगते हैं। आज सब पार्टी रोड पर उतर आए हैं तब वह सीबीआई के जांच के लिए आदेश दिए हैं। इससे पहले कहाँ सोए हुए थे? इस व्यक्ति के आज वह जो स्थिति बना हुआ है कि सामने सारा व्यक्ति उनके साथ सारा सफेद पोस्ट उसके साथ उसको बचाने में उस कदर को बचाने में लगे हुए हैं। अगर बचाने में नहीं लगे रहते तो बहुत पहले सीबीआई को उसने जांच में गठित कर देते। आज लोग देखे हैं कि उतर गए हैं तो लोगों के नजर में बचने के लिए अपने आप को कह रहे हैं हम जाँच करा रहे हैं। अगर यही कराना होता तो बहुत पहले कराता। ऐसी ऐसी एक घटना नहीं मुजफ्फरपुर में कैद स्टेट में आए दिन घटना हो रही है और इतना तो बलात्कार। बनमनखी आंगनवाड़ी केंद्र में गलत सुई लगाने से हुई नवजात बच्चे की मौत। मामला जानकी नगर थाना क्षेत्र का है जहां संजीत कुमार यादव के 42 दिन के नवजात बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे बनमनखी आंगनवाड़ी केंद्र लाया गया जहां पदस्थापित एएनएम सुनीता कुमारी द्वारा बच्चे को 3 सुई लगाई गई। सुई देने के 2 घंटे के बाद बच्चे के नाक से खून जाने लगा जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर बनमनखी थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया गया। इसमें इसका जो है आंगनवाड़ी में जो है सुई देने के बाद जो है करीब आधा घंटा 1 घंटा के बाद जो है बच्चे नाक से ब्लड आ गई। ब्लड आने के बाद जो है बच्चे लेट कर गई। कहाँ पे सुई दिया गया था? आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में कौन सुई दिया था? पोलियो का सुई दिया गया। क्या लगता है सुई देने से मृत्यु हो गया? सुई देने से जो है करीब नाक से ब्लड आ गया, उस टाइम जो है बच्चे डेड कर गया। उससे पहले बच्चा स्वस्थ था? हाँ, उससे बच्चा पहले स्वस्थ था हमारा। कौन दिया? क्या नाम है? हमारा नाम संजीत कुमार। बेटे का नाम है प्रिंस जानकी नगर। हमारा ससुराल है निपनिया गंगेली। अच्छा, कौन कौन था सुई देते समय जो आया हुआ था? हाँ जी, कौन कौन सुई देने के लिए आया हुआ था? वो तो पोलियो का सुई देने के लिए लाया था सर आंगनवाड़ी। सेविका भी साथ में थी? जी। सेविका और कौन था? हमारा इसका नाम। वहीं इस मामले में सदर विधायक विजय खेमका ने प्रिंस की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है
कि भगवान इनके परिजनों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे। साथ ही उन्होंने इस मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि दोषियों को बख्शा ना जा सके। और एक घटना यहाँ पर और हुई है, जो महाराजगंज बनमनखी का एक बच्चा जो आंगनबाड़ी केंद्र में उनको सुई देते समय जो उनकी मृत्यु हो गई है, जो मेरी सीएस से बातचीत हुई और सीएस ने इस पर एक बोर्ड गठन किया है, 3 चिकित्सकों का बोर्ड गठन किया है और इनको भी न्याय मिलेगा। जो भी इसमें दोषी होंगे उसको जो है उस पर उचितन कार्रवाई होगी। और मैंने सीएस से कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में और सावधानी बरता जाए, जहाँ टीकाकरण का काम चल रहा है वहाँ बच्चों की स्वच्छता के लिए काम चल रहा है, बच्चों को समृद्धि देने के लिए काम चल रहा है। इसलिए जिले के अंदर जितने भी टीका केंद्र हैं और जहाँ पर उनको टीकाकरण का काम कर आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है उसकी और मॉनिटरिंग करें, 4-54 व्यवस्था में टीकाकरण का काम हो, ऐसा हमने सीएस से बात करके उन्हें निर्देश भी दिया। पूर्णिया में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मधुबनी बाजार का है, जहां मधुबनी बाजार चूरी पट्टी के बालम ड्रेसेज के मालिक बालम केसरी ने जमीन विवाद में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की भाई की माने तो मधुबनी के निवासी रामेश्वर राय से पिछले 20 वर्षों से जमीन का विवाद चल रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कल रात रामेश्वर राय के पुत्र द्वारा रात के 8 बजे दुकान पर आकर धमकी दिया गया, जिसे बालम केसरी काफी परेशान हो गए और इस संबंध में उन्होंने घर के सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी थी। रात को जब सभी सोने के लिए चले गए और सुबह जब वे उठे तो उन्होंने खिड़की से झांका तो उनकी लाश पंखे से लटक रही थी। बात विचार हो गया, 5 आदमी हम लोग बैठ कर बार बार पंचायती उंचायती कर दिए, सारा डिक्टेशन हो चुका था। बार बार उसका बेटा आता था, कल भी आया उसका बेटा, अलबल कल भी दुकान पर बोल बाल के गया। ये आवेश में टेंशन में आके पूरा परिवार हमारा घर में था, तब बोला गया कि हम बोले सुनिए सुबह में चलेंगे उसका दरवाजा पर बात करेंगे क्या मैटर है। आज 20 साल से मेरा लंबित मामला है जमीन का, बार बार ठेठरिंग देता है अलबल केस उठा लो, अच्छा बात नहीं है रास्ता लेकर। ठीक है भैया, जमीन हम किने हैं भैया, हम रास्ता कहाँ से देंगे। 18 फीट जमीन चौड़ा है और 10 फीट रास्ते मांगता है उसका दोनों बेटा। कल दोनों बेटा आया था दुकान पर, बार बार आता था दुकान पर आकर, 4 गो बात बोल कर चल जाता था। कल आया रात में करीबन 7-8 के बीच में, हमारा भाई को अलबल बोलने लगा, आया घर में आकर बोलने लगा कि ऐसा ऐसा बात बोला गया है। तो हम लोग बोले कि 5 आदमी हम लोग समाज का प्रमुख आदमी चलेंगे उसके पास में, क्या बात है गप करेंगे। इनका टेंशन बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आवेश में ये अपना गला में आत्मा अपना लीला अपना समाप्त कर लिया। कौन आए थे रात में, क्या नाम है उनका? उनका रामेश्वर जी का 2 गो बेटा आया था, उनका बेटा का नाम बता देते हैं, ऐसे हम दर्शा दिए हैं कागज। जमीन कहाँ पे है ये? ये है स्टेट बैंक है ना, उससे 1 बस आगे जाके दाहिना रोड से है, दाहिना से। कितना जमीन है? 2 कट्ठा। 2 कट्ठा जमीन। रामेश्वर राय का बेटा क्या नाम है? रामेश्वर राय का बेटा का नाम हमारा क्या काम करते हैं ये? हम लोग का व्यवसायी है, क्या लोग व्यवसायी है, कपड़ा दुकान है भैया का। कहाँ पे? मधुबनी चौके पर। क्या नाम है? केसरी वस्त्रालय, बालम केसरी उर्फ कृष्णदेव, केसरी ड्रेसेस है। आप लोगों को कैसे पता चला कि घर में आकर बोला हम लोग को, आज बहुत दिन से चल रहा था झंझट, बार बार आकर ठेठरिंग देता था, केस उठा लो, अच्छा बात नहीं है। इनकी मृत्यु के बारे में कैसे पता चला? खाना पीना खाकर सो गया, सब दिन सोते थे हम लोग, भाई भाभी भौजाई सब एक साथ सब सोता था उस दिन। कल किसी को घुसने नहीं दिया, कहा तुम लोग चले जाओ हमको एकांत में तुम सोने दो, हमको बहुत टेंशन है माता में, बहुत टेंशन है, बार बार ही बोले। 11:30 बजे 12 बजे रात में 11:30 बजे हम लोग चले आए कि अपना रूम में सो गया और सब अपना अपना रूम में सो गया। सुबह जब उठते हैं केबाड़ी ढकढकाते हैं तो केबाड़ी नहीं खुलता है, जब शीशा से जब देखते हैं तो अरे भाभी तो गला में पंखा में लटक गया है। तब बगल वाला का घर में गए, पूरा केबाड़ी 10-20 आदमी मिलकर ठेले हैं, केबाड़ी खुला है, तब इसको उतार कर लाए हैं, तब होश हॉस्पिटल ले गए, तब बोला गया कि मृत्यु हो गए। क्या नाम है? बम केसरी। कौन है? हमारा बड़े भाई है बालम केसरी। वहीं इस मामले में सदर विधायक विजय खेमका ने मौत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस जांच की मांग की है ताकि जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। बताइए। एक बहुत दुखद घटना है और ये बालम केसरी जो है ये व्यवसायी परिवार से है और नौजवान था और जिस स्थिति में
ये मृत्यु को प्राप्त हुए बहुत दुखद है, हम सब दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को भगवान शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन जो घटना घटी है उस घटना के लिए उनके परिवार वाले, उनके पुत्र ने बयान दिया है थाने में, सारा चीज़ दर्ज हुआ है, इनको न्याय मिलेगा। जो जानकारी मिली है कुछ मानसिक दबाव, कुछ जमीन जगह की परेशानी थी उस कारण से ऐसा हुआ है, तो इनको पूरा न्याय मिलेगा इस परिवार को, और पुलिस अनुसंधान करेगी, जो भी होगा इनको पूरा न्याय मिलेगा। और सारे लोग यहाँ पर हैं समाज के, सारे लोग को दुख है, तकलीफ है। और हमारा कार्यकर्ता था कि बड़े छोटे भाई बम बम जो केसरी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, और इनके प्रति सबको संवेदना है कि इस तरह का परिवार, नौजवान परिवार, आज उनका परिवार अकेले पड़ गया है, लेकिन समाज उसके साथ है। कहते हैं एक सरकारी कर्मी का सेवाकाल का इतिहास उनकी विदाई में देखा जा सकता है। इसी कड़ी में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने बहते आंसुओं के बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निभा पाल को विदाई दी। कस्बा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में कस्बा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती निभा पाल की विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चींटी भी हाथी को पस्त कर सकता है, तो हम लोग छोटा नहीं है, शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, पूरे संसार का, अगर ऐसी मां। इस समारोह की अध्यक्षता आरडीडी प्रकाश चंद्र झा ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए आरडीडी प्रकाश चंद्र झा ने कहा कि श्रीमती पाल हमेशा अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप 100% विभाग को दिया। उनमें प्रशासनिक क्षमता और अनुशासन के कारण सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि पूरे कस्बा प्रखंड में अपनी गहरी पैठ रचती थी। Oh,
वहीं समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि निभा पाल का कार्यकाल बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के बीता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि बारिश के बावजूद भी हजारों लोग उनकी विदाई समारोह में शामिल हुए। कि हम विभाग में आए हैं तो सेवानिवृत्त होंगे। आज के दौर में सफलतापूर्वक बिना आरोप का सेवानिवृत्त होना बहुत बड़ी उपलब्धि। श्रीमती पाल एक कर्मठ महिला पदाधिकारी के रूप में जानी जाती थी। इनके जाने के बाद विभाग इनकी कमी का एहसास जरूर होगा। आज हम लोग यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कस्बा श्रीमती निभा पाल जी के विदाई समारोह में आए हैं। आज वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं 31 को ही। आज उनके सम्मान में उनके कार्यशैली को देखते हुए हम लोगों ने सभी शिक्षकों ने मिलकर एक साथ उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। शिक्षकों के प्रति उनका रवैया काफ़ी अच्छा था और वे काफ़ी सहिष्णु पूर्वक जो है काम करती थी। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वह सभी शिक्षकों को उत्साहित कर पूरे प्रखंड को पूरे जिला में पहले नंबर पर ऐसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मैंने अब तक नहीं देखा और मैं चाहूँगा कि आगे भी जो है इन्हीं की तरह कर्मठ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए। कस्बा इसी तरह लगातार शिक्षा के मामले में हमेशा प्रगति पथ पर उन्नत रहेगा। विदाई समारोह के मौके पर निभा पाल भावुक होते हुए बोली कि 10 साल का कार्यकाल कैसे बीता मुझे मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के बीच स्नेह प्यार आशीर्वाद सहयोग और सम्मान दिया। आज मैं सरस्वती तथा लक्ष्मी की धरती कस्बा से निर्विवाद विदा लेकर जा रही हूँ। इसके लिए सभी शिक्षक सभी बीआरपी सभी सीआरसीसी मेरा लेखापाल सभी को धन्यवाद है। मैं चाहती हूँ आगे भी आप इसी तरह टीम वर्क करें और इस कस्बा का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे इस काम के लिए जिला को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे काम को कभी भी कोई समय में कम हुआ देरी हुआ वो कभी हमको नहीं दुत्कारे हमको हमेशा इनकरेज करते रहे। और इसी बात के साथ आज हम आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। फलका थाना क्षेत्र के गोविंदपुर रंगाकोला निवासी संतोष यादव उर्फ गोल्डन के परिजनों ने कटिहार जिला प्रशासन से गुहार लगाया है कि नेपाल के एक निजी अस्पताल के द्वारा इलाज के दौरान इन्हें बंधक बना लिया गया है और पैसे की मांग की जा रही है। इस बीच भारतीय दूतावास कैंप कार्यालय के प्रभारी भी जांच के लिए वहां गए और उन्होंने इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन अस्पताल के मैनेजर चेतन राज शर्मा ने बताया कि मरीज 27 मार्च को अस्पताल में भर्ती हुआ और उसका ऑपरेशन भी हुआ। 9 मई तक मरीज आईसीयू में भर्ती रहा। 44 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसे न्यूरो वार्ड में शिफ्ट किया गया। शुरुआत में मरीज के द्वारा कुछ पैसे का भुगतान किया गया और बाद में अस्पताल प्रशासन के द्वारा बकाया राशि मांगने पर इस तरह अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाने लगा। अस्पताल के निदेशक सनातन मंडल की माने तो अस्पताल प्रशासन ने बकाया राशि का 50% समझौता का भी अनुरोध किया पर वो लोग नहीं माने। इधर भारतीय दूतावास कैंप के प्रभारी ने मरीज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से अस्पताल प्रशासन को फीस माफ करने का भी सुझाव दिया। 27 मार्च को संतोष कुमार यादव हमारे हॉस्पिटल में आया। यही का किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा के कारण इलाज नहीं हो सकने के कारण वहाँ से रिफ़र किया गया, हमारे यहाँ आया। हमने मानवता दिखाई, बिना पैसा का ऑपरेशन करके इसको बचाया गया और 1.5 महीना आईसीयू वेंटिलेटर में रहने के बाद जब वो पेशेंट ठीक हो गया और उसको जब डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो पेशेंट उसका जो भाई था वो कह रहा है कि सर हम कल पैसा लेके आएंगे परसों पैसा लेके आएंगे। आज तक एक दिन भी उसने ये नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। यदि कहता पैसा नहीं है तो देखिए हमने यहाँ का 4-5 पेशेंट को हमने यहाँ से फ्री में भेजा है। मनीषा कुमारी ततमा आज से 4 महीना पहले रानीगंज की पेशेंट है, ब्रेन का ऑपरेशन करके और पूरा पैसा फ्री करके भेज, सिर्फ 4,000 रुपये उसने हॉस्पिटल में दिया। हमने पता लगाया, गरीब पेशेंट था, भेज दिया। उसके बाद भी अनेकों पेशेंट का हम लोग ने इलाज किया है। यहाँ मंगल कह के एक लड़का था भीमपुर का, आप वहाँ जाके पता कर लीजिए, 8-9 लाख का इलाज हुआ, 6 महीना रखा गया पेशेंट को।
तीन महीना आईसीयू में रहा, उसके बावजूद उसको फ्री में हम लोग भेजे हैं। और यहाँ पे हम लोग पे जो ये लालसना लगाया गया है कि पैसा दो नहीं तो किडनी बेच लेंगे, हम लोग बहुत दुखी हुए हैं इस चीज़ से। और आप लोग पत्रकार मित्र हैं, सब अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, देखिए पेशेंट के साइड में जो भी आदमी है पूछिए सब मरीज से, कहीं हम लोग ने टॉर्चर किया है उसको? यदि ऐसा होगा तो हम लोग सब चीज़ भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग गरीब का हॉस्पिटल है, गरीब का इलाज होता है यहाँ पे, और पैसा के लिए किसी का इलाज आज तक गोल्डन में नहीं रुका है। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह सुबह शुरू। अप्पा, ये हवा दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मुझे क्यों नहीं होती? अप्पा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अप्पा अप्पा बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। घर जा। अप्पा अप्पा ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अप्पा अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अप्पा ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। जाने अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल, जाने अपना भविष्य कैसा होगा आपका आज का दिन। तिवारी बाबा जी महाराज के साथ। नमस्कार, हरिओम। हम आ रहे हैं आवाज 24 पे ज्योतिष का कार्यक्रम लेके, ग्रह नक्षत्र कार्यक्रम लेके, जिसमें राशिफल, ग्रह गोचर, दैनिक दिनचर्या, गृह वास्तु, प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, यात्राएं, ग्रह से संबंधित गृह वास्तु, कई तरह की बातों का समाधान किया जाएगा। पूजा, यज्ञ, जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर दिया जाएगा, निर्विघ्नता पूर्वक दिया जाएगा। आप देखते रहिए आवाज 24, क्योंकि जल्द ही हम आ रहे हैं आपके शहर में आपकी समस्याओं का समाधान लेके। ग्रह गोचर सोमवार से रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ आवाज 24 पर। देखते रहिए वैक्टिविसेंस आवाज 24 पर। क्या आपका घर ही आपकी तकलीफों की वजह है? क्या आपके घर में बीमारियों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है? क्या उन्नति आपके घर का रास्ता भूल गई है? नमस्कार, सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं परेशान तो नहीं है अपने गृह कला से, घर परिवार से? बहुत सारी परेशानियां घर में आ जाती है, इसका कारण कहीं वास्तु तो नहीं है। मनुष्य को वास्तु की जानकारी रखनी चाहिए कि घर में कौन सा सामान किधर रखें, चापाकल किधर हो, घर में किचन किधर हो, बाथरूम किधर हो, सीढ़ियाँ किधर हो। ये जरूरी है इन सोई छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के लिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके घर में निरंतर कुछ न कुछ कलह आती रहेगा, परेशानियाँ बढ़ती रहेगी। वास्तु में हम घर का निर्माण कैसे करें, न्यू पूजन कहाँ करें, कई सारी समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं हम आवाज 24 पे। आप देखते रहिए आवाज 24। नमस्कार। वास्तु शास्त्र, आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आवाज 24 पर। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ले लो भैया पानी। छोटू मजाक कर रहा है क्या, पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी, पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा, पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं समझदारी बहेगी, जल है तो कल है।
देखते रहिए धर्म यात्रा आवाज 24 पर।